हेलो सब्सक्राइबर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ निफ्टी का एक ऐसा सेटअप जो हर दिन बनता है और आपको वो सेटअप कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो इंडिकेटर भी बताने वाला हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट वो इंडिकेटर अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग डेली यहाँ पे निफ्टी में वो सेटअप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा, आप पहले 15 या 20 मिनट के ट्रेडिंग में ही कॉल या पुट खरीदो, आपको 20 से 25 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आपको वो सेटअप आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। डिसिप्लिन भी आपको फॉलो करना पड़ता है। ये जो फ्री का इंडिकेटर है, ये मालूम नहीं सबको पता है नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको वो कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे आपको वो सेटअप लगाना है, कैसे आपको ट्रेड लगाना है। क्योंकि देखिए क्या होता है, आप बोलोगे फ्री है फ्री है फ्री है, लेकिन वो एक बेसिक चीज है दोस्तों, ठीक है। वो बेसिक इंडिकेटर है, अगर आपका नॉलेज रहेगा उसके बारे में तो आप डेफिनेटली जो है उसके भरोसे एक ट्रेड तो हमेशा एक रह सकते हो। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि वो इंडिकेटर आपको कैसे लगाना है। और साथ में देखिए दोस्तों, आपको एक दिन पहले थोड़ा सा जो है होमवर्क करना पड़ेगा कि एक दिन पहले मार्केट में क्या हुआ था, ठीक है। आप 2 या 3 मिनट निकाल के मार्केट में ये जो सेटअप को आइडेंटिफाई करने के लगाएंगे और वो होमवर्क भी करेंगे, तो आपको क्या करना है मैं एक्सप्लेन करूंगा। मार्केट में जैसे आप सुबह आओगे 9:10 के आसपास, आपको क्या करना है, जल्दी आना है और थोड़ा सा होमवर्क करना है कि एक दिन पहले क्या हुआ था। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आज जो है 7 जुलाई का डेटा हम लोग आज जो है देखने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग को एक दिन पहले मतलब 6 तारीख को मार्केट में क्या हुआ था और कितने बजे क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट में 3 बजे के आसपास या 2 या 3 बजे के आसपास एक बाइंग की मूवमेंट आई थी, ठीक है। आप देख सकते हो मार्केट जो है यहाँ से बाइंग की मूवमेंट के साइड अपसाइड चला गया। तो एक लॉजिक आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बाइंग आई है, यहाँ पे बाइंग आई है, तो ये इन्होंने जो बाइंग की है इनका क्या बनता है यहाँ पे पोजिशन होल्ड करने का, क्योंकि यहाँ पे इनको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कल मार्केट क्या ओपन होगा ये किसी को नहीं पता, ये इनको भी नहीं पता कि मार्केट कहाँ पे ओपन होने वाला है, जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन होल्ड की इनको भी नहीं पता है। तो यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो डेफिनेटली ये जो लोग हैं ये प्रॉफिट में रहेंगे, क्लियर है, इतना समझ में आ रहा आपको। ये बेसिक है दोस्तों, इससे बेसिक मैं आपको नहीं समझा सकता। ये जो लोग है, इन्होंने जो बाइंग की है, अगर यहाँ पे मार्केट खुलता है गैप अप, अगर 100 पॉइंट खुलता है 50-60 पॉइंट, तो ये लोग प्रॉफिट में होंगे। तो उस टाइम क्या होगा, प्रॉफिट बुक करने के बाद मार्केट नीचे आएगा, क्लियर है, इतना बेसिक समझिए, बाद में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये गैप अप का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अभी जैसे आज हुआ, आज क्या हुआ, देखिए मार्केट ओपन हो गया है गैप डाउन, ठीक है। गैप डाउन होने के बाद क्या होगा, इन्होंने जो खरीदा होगा वो लोग लॉस में रहेंगे, क्लियर है। इन्होंने जो खरीदा होगा, जो भी खरीदा होगा कॉल, वो लोग यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद वो लोग लॉस में होंगे। उन लोग क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी अपनी पोजिशन जो है बेच देंगे ताकि उनका लॉस जो है मैक्सिमम ना हो पाए। तो यहाँ पे उन्होंने वैसे ही किया। तो यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे 3 बजे बाइंग आने के बाद आपको क्या करना है, लेवल सेट करने हैं कि मार्केट जो है अगर गैप डाउन ओपन होता है तो कहाँ तक अपसाइड आ सकता है, ठीक है। अभी ये हमने प्रिडिक्ट नहीं किया था मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ तक आएगा, ये आपको पता है क्या, नहीं पता ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये प्रिडिक्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको फिब रिट्रेसमेंट लगाना है, ठीक है, फिब रिट्रेसमेंट लगाना है कल के बाइंग जोन के यहाँ से, ठीक है, कल के बाइंग जोन से यहाँ से जहां मार्केट आज ओपन हुआ है तब तक आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। आपने लगा दिया, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको ट्रेड कब लेना है, ठीक है। अभी मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो लोग हैं यहाँ पे खड़े होंगे अपनी पोजीशन लेके, अगर मार्केट जो है गैप डाउन ओपन होगा तो उन्हें लॉस होगा, ठीक है, वो ट्राई करेंगे अपना लॉस को मिनिमाइज करने का, अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करेंगे तो मार्केट जो है थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट देगा। लेकिन अगर यहाँ से नीचे जा सकता है तो क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, सीधा यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट लगाना है कल जहाँ से बाइंग आई थी वहाँ से मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ तक, ठीक है। ये मैं थोड़ा आगे ड्रैग डाउन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ड्रैग डाउन कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, जैसे एक्सपेक्टेड था मार्केट गैप डाउन होने के बाद थोड़ा अपसाइड मूवमेंट हमें दे दिया और अपसाइड मूवमेंट देने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेस कर दिया, ठीक है। अभी रिट्रेस कर दिया इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि जब भी याद रखिए, जब भी मार्केट को अगर ऊपर जाना होता है ना, वो डायरेक्टली ऐसा सीधा नहीं जाएगा, ठीक है, वो डायरेक्टली ऐसा सीधा नहीं जाएगा, वो पॉज लेके जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ऊपर आया, थोड़ा पॉज लिया, मार्केट फिर ऊपर गया, थोड़ा पॉज लिया, फिर ऊपर आया और पॉज लिया और फिर ऊपर गया, ठीक है। तो मार्केट कभी भी ऐसा ऊपर जाता है, सडनली जो है ब्रेकआउट ऐसा नहीं देता, ऐसा जब भी ब्रेकआउट मिलता है ऐसे कैंडल वाला, वो फॉल्स ब्रेकआउट होता है, वहां पे मार्केट जो है लोगों को ट्रैप कर देता है। तो यहाँ पे देखिए, ये कैंडल बनने के बाद आप इस ग्रीन कैंडल पे सेकंड वाले या इस ग्रीन कैंडल पे ट्रेड लीजिए। हमेशा अगर आप बुलिश ट्रेड लेने वाले हो तो हमेशा ग्रीन कैंडल पे ही लीजिए, रेड कैंडल पे अवॉइड कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगली कैंडल क्या बनेगी आपको नहीं पता,
ग्रीन कैंडल पे आपको लगेगा कि यार बाइंग आई है तो हम लोग वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। तो इस ग्रीन कैंडल पे 9:19 वाली कैंडल पे 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है, ट्रेड लेना है, सिंपली ट्रेड लेना है। और आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन बनानी है और इस कैंडल पे पोजिशन बनाने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस है वो होने वाला है पहले कैंडल का जो है लो, ठीक है, वही स्टॉप लॉस होने वाला है, उससे नीचे मत जाइए। या आपको 9 या 10 पॉइंट्स जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, 9 या 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आपको आपको माइंड में रखना है और ट्रेड लेना है। यह फिर रिट्रेसमेंट है, ये कब तक आपको रिट्रेस करके देगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका ये स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। आपका टारगेट क्या होने वाला है, ये लेवल 50% के ऊपर ये आपका टारगेट होने वाला है, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आएगा तो इसका मतलब है मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो हम लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करेंगे। अगर यहाँ तक मार्केट चला जाता है, कितने पॉइंट्स लगा है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से मार्केट गया है लगभग 30 पॉइंट के आसपास, ठीक है। तो उस टाइम हम लोग अपना स्टॉप लॉस है उसे कॉस्ट टू कॉस्ट लाएंगे, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों लाएंगे, क्योंकि अगर मार्केट ने यहाँ से मोमेंट नीचे के साइड दे दी तो हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे नीचे आने के बाद हम लोग यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करने के बाद डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं आता है तो हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम आपको कितने पॉइंट्स आज मिले, अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते तो यहाँ पे 72 पॉइंट्स है, ठीक है, इंडेक्स में। तो आपको 50 पॉइंट जो है इन द मनी वाले कॉल ऑप्शन में मिल जाते, इन द मनी वाले कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, मतलब इस लेवल पे कितना मार्केट चल रहा है 19,449, मतलब अगर आप 19,300 का कॉल लेते तो आपको यहाँ पे 50 पॉइंट्स मिल जाते। हम लोग चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, मैं ये कहता हूँ 19,300 का कॉल का चार्ट, ठीक है, क्योंकि देखिए सामने सामने चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको आइडिया आ जाएगी। 50 पॉइंट तो आपको यहाँ पे जो है मिल गए होंगे, उतनी मूवमेंट तो उसमें आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने पुट शायद से सिलेक्ट किया है, हमें सिलेक्ट करना है कॉल, ठीक है, चार्ट हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दूंगा, चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो 50 पॉइंट्स को आपको रुकना नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों, क्योंकि देखिए मार्केट है, निफ्टी है, निफ्टी में आपने काफी बार देखा होगा 20 से 25 पॉइंट्स का टारगेट भी अचीव होने के लिए काफी कभी कभी पूरा दिन चला जाता है। तो ये 50 पॉइंट्स की मूवमेंट को आपको कैप्चर नहीं करना है, आपको सिर्फ कैप्चर करना है लगभग 20 से 25 से 30 पॉइंट्स, 20, 25, 30 पॉइंट्स, इनफ है, दो लॉट के लिए इनफ है। मतलब कितना हो जाता है, लगभग 2,500 से 3,000 का प्रॉफिट दो लॉट में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन का चार्ट है वो अभी ओपन हो चुका है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कहाँ पे हमारी बाइंग थी आज 7 जुलाई को, बाद में तो काफी नीचे आया है, ठीक है, 9:20 के आसपास जो है वहाँ पे हमारी बाइंग थी। कितना प्राइस है यहाँ पे 199 रुपीज के आसपास, ठीक है, आपके सामने चार्ट है। यहाँ से मैक्सिमम कितना गया था वो 54 रुपीज, मैंने आपको 50 बताया, 54 रुपीज के आसपास जो है प्राइस की इंक्रीमेंट हो गई है वहां पे हमने ट्रेड लेने के बाद, कितना 54। तो काफी सिंपल सा यहाँ पे फंडा है, आपको क्या करना है सिर्फ मार्केट में देखना है 2-3 बजे मार्केट में क्या हुआ है, बाइंग आई है सेलिंग आई है, उस तरीके से आपको सेटअप लगाना है और सिर्फ 50% के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। एक ट्रेड आप दिन की ले लो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अगर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस हिट होने वाला है तो मार्केट में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस निकल के निकल जाओ, अगले दिन मार्केट में आओ, लेकिन लॉस मत करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो। अगर आप चाहते हो तो हम लोग 1-2 दिन के पहले का डेटा भी देख सकते हैं, लेकिन अगर यही स्ट्रैटेजी आपको करनी है तो हमें आप लिखिए लाइव मार्केट में कि हमें ऐसी स्ट्रैटेजी करनी है, तो हम लोग मॉर्निंग मंडे से जो है आपके लिए स्ट्रैटेजी लाइव मार्केट में लाएंगे और वहां पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। सेटअप अच्छा है, ठीक है, चांसेस 70 से 80% है आपको प्रॉफिट देने के, 1-2 दिन आपका जो है स्टॉप लॉस भी जा सकता है या कॉस्ट टू कॉस्ट भी आपको निकलने का चांस मिलता है। तो वो काफी सिंपल सा सेटअप है, बेसिक है, बेसिक। आप अगर चाहो तो फिब रिट्रेसमेंट का जो काफी वीडियोस है इस पर जाके सर्च कर सकते हो और अपना जो नॉलेज है उसे बढ़ा सकते हो। मैं आपको और एक्स्ट्रा कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, हमने काफी बार आपको इस पर लाइव वीडियोस लेके भी बनाए हैं, आप लाइव वीडियोस देखिए कैसे आपको प्रॉफिट बुक करना है, कैसे आपको ट्रेल करना है स्टॉप लॉस को। तो काफी ऐसे वीडियोस हमने बनाए, जाके आप देख सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियोस को लाइक कर सकते हो। तो यहाँ पे आज का जो एग्जांपल है, अगर आपको नहीं समझा होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, भले आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट कीजिए कि कैसा आपको ये अच्छा वीडियो लगा, तो हम लोग डेफिनेटली उस पर इम्प्रूव करने का चांस जो है हम लोग करने वाले, वीडियोज को और थोड़ा बेहतर बनाने का कोशिश करने वाले। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे विद अ न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी, तब तक के लिए जय हिंद।